भारत में मुगल आए और पहले मुगल बादशाह बाबर ने 1527 में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद को उस जगह पर बनाया गया जिसे हिंदू अपने आराध्य भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में इबादत और पूजा करते थे, लेकिन 1857 विद्रोह के बाद मस्जिद के सामने एक बाहरी दीवार खड़ी कर दी गई और हिंदुओं को अंदरूनी प्रांगण में जाकर वेदिका पर चढ़ावा देने से मना कर दिया। उन्नीस के सांप्रदायिक दंगों के दौरान भी मस्जिद के चारों ओर की दीवार और मस्जिद के गुम्बदों में एक गुम्बद क्षतिग्रस्त हो गया था। हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों की ओर से दावेदारी यूं ही चलती रही और इसके बाद आया वो दिन 6 दिसंबर 1992 जब कार सेवकों ने बाबरी विध्वंस को अंजाम दिया। अयोध्या में हजारों कार सेवक जमा हुए, बकायदा अभ्यास किया गया मस्जिद के गुंबद को गिराने का। बाबरी विध्वंस के बाद हुए दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए थे। विध्वंस मामले की जांच करते हुए जस्टिस लिब्राहन आयोग ने 2009 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसमें बताया गया कि मस्जिद को एक गहरी साजिश के तहत गिराया गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित कई लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विध्वंस को रोका जा सकता था। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।